अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑलवेज सुमेरा में मैं हाजिर हूँ CS 101 की स्लाइड मटियोज टॉपिक नंबर 213 के साथ। और इसमें हम लोग एम एस वर्ड कंटिन्यू करेंगे। एक नया टॉपिक है हमारे पास, कंपेयर एंड प्रोजेक्ट ग्रुप्स इन रिबन रिव्यू। तो जो है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली जितनी मजीद लेक्चर्स, वीडियो हैं, असाइनमेंट सॉल्यूशंस एंड लेटेस्ट अपडेट ऑफ व्यू इजीली आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर्स है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को जो है बताऊंगी कि कैसे जो है आप लोग एक असाइनमेंट सबमिट करवाते हो और आप परेशान होते हैं कि कैसे हमारे जो है असाइनमेंट के ऊपर कॉपी पेस्ट का एलिगेशन लगा देते हैं, कैसे जो है व्यू को पता चलता है। तो देखते हैं कि आज वो कौन सी जो है ट्रिक्स है, वो कौन सी टेक्निक है जिसको फॉलो करते हुए व्यू हमारी कॉपी पेस्ट को डिटेक्ट करती है। तो जो है इसके लिए मैंने जो है एक नई यहाँ पे विंडो लूँगी, एक नई मैं यहाँ पे शीट लूँगी। MS वर्ड में आपको पता है ना कि न्यू हम लोग कैसे शीट लेते हैं, कंट्रोल प्लस एन से भी जो है हम इसको ले सकते हैं। और उसके बाद हम लोग सिंपल जो है फाइल पे क्लिक करके यहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक नई फाइल ली है और इस फाइल में मैं जो है यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखती हूँ। दिस दिस इज माय वीडियो, ठीक है, ये इतना सा मैंने सेंटेंस लिखा है। इसको हम लोग करते हैं सेव, सेव एज पे हम लोग करते हैं। ओके, कहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया इसको, डाउनलोड्स में, और इसका नेम हम लोग रख देते हैं VI1, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं सेव। अब यहाँ पे कंट्रोल एंड से एक नई फाइल लेते हैं, बिकॉज आई वांट टू कंपेयर दीज टू फाइल्स। मैं इन दो फाइल को कंपेयर करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि क्या ये चीज़ें इनमें सिमिलर है और क्या इनमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक दूसरी मैं फाइल क्रिएट कर रही हूँ, सेम लिखूंगी, दिस इज माई चैनल वीडियो VU फॉर ऑल, ठीक है। और इसको भी मैं करती हूँ सेव, सिंपल सेव एज पे हम लोग क्लिक करेंगे। पूछेगा जो है, इसको मैं कर देती हूँ ओके VI, ठीक है, 2। इसको मैं जो है सेव कर देती हूँ। ये दो डॉक्यूमेंट्स थे जिनको मैंने सेव कर लिया, क्रिएट किया था। अब हम लोग रिबन रिव्यू पे आते हैं और यहाँ पे आप लोगों को ये कंपेयर का ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंपेयर पे क्लिक किया और यहाँ से कहता है कि किसको किसके साथ आपने जो है करना है, कंपेयर करना है। तो ये मैं VI यहाँ पे रख लेती हूँ और जो है उसके बाद मैं यहाँ पे V2 को जो है रख लेती हूँ। अब मैं ओके करती हूँ तो ये हमें बताएगा, ठीक है, कहता है कि हमारे पास जो है ये दिस इज माय वीडियो और ये इसने जो है रख दिया। और ये आप लोगों को जो हाईलाइट करके रेड कलर में बता रहा, कहता है कि जब मैंने कंपेयर किया तो जो है देखिए यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे दिस इज ये दिस आई जो है एस मिसिंग था यहाँ पे माय वीडियो, ठीक है, नीचे मैंने जो है ये वाला था तो ये उसने मुझे हाईलाइट कर दिया कि ये चीजें जो है इसमें जो है चेंजिंग है, ठीक है। अगर आप जो है तो नेक्स्ट टाइम आप लोग जब अपनी असाइनमेंट्स बनाए तो आप लोगों को लगे कि जो है इंस्ट्रक्टर्स को कैसे पता चलता है कि मेरी जो है असाइनमेंट्स दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो है वो इस तरह से एक तरफ आपकी असाइनमेंट रखते हैं और दूसरी तरफ दूसरी असाइनमेंट्स को रखते हैं और जो है इनके साथ कंपेयर किया जाता है और इस कंपैरिजन से उनको पता चल जाता है कि फाइल में
कहाँ कहाँ आप लोगों ने चेंजिंग की है और कहाँ से आपने अपनी असाइनमेंट उठाई है। इसी तरह से फिर हम लोग कंबाइन भी जो है कर सकते हैं। लेट्स सपोज के मैं इन्हीं दो असाइनमेंट्स जो है अपनी फाइल्स को V1 ठीक है, और यहाँ पे जो है V2 ठीक है, इनको मैं यहाँ पे कंबाइन कर देती हूँ। कंबाइन का मतलब पता है ना कि जोड़ देना ठीक है। तो मैं जहाँ पे यहाँ पे इनको जो है मैंने कंबाइन किया, तो यहाँ पे क्या किया इसने दोनों फाइल को मर्ज कर दिया, दोनों फाइल को इकट्ठा कर दिया और मुझे जो है यहाँ पे दिखा दिया। जब आपके पास बहुत ज़्यादा जो है फाइल्स होती हैं तो आप उनमें से जो है यूनिकनेस देखना चाह रहे होते हो, दूसरों के साथ जो है उसको कंपेयर करना चाह रहे हो, तो उसको जो है कंपेयर के पे लाके जो है आप कर सकते हो, यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास जो इसमें हम लोगों ने करना था ब्लॉक ऑथर्स एंड रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। आप जो है चाहते हो कि अपने इसके ऊपर जो है कोई पासवर्ड सेट करना चाहते हो, या आप दूसरे बंदों को नहीं चाहते हो कि जो है वो आपकी फाइल के अंदर चेंजिंग करे फॉर डायर पर्पस, सिंपल आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग यहाँ पे जो है कर दे। और जो है ये यहाँ पे मैं इसको करती हूँ ख़त्म ठीक है। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग यहाँ पे ये हमारे पास है ठीक है। यहाँ पे आपने इनको जो है करना है कि कोई बंदा इसके साथ जो है यहाँ पे यस आपने इन्फोर्सिंग मैं दूसरों को दूसरों से अपने इस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाह रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जो है डाटा के इस पोर्शन के ऊपर, लेट्स सपोज के मेरे पास यहाँ पे आप लोगों को ये फाइल है ठीक है, तो मैं किसी और फाइल को जो है ओपन करती हूँ, ये यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है फाइल ओपन करती हूँ ये ठीक है, ये मैंने फाइल ओपन की है। अब मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं जो है इतना पोर्शन कर लेती हूँ सिलेक्ट ठीक है, ये मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया और मैं चाहती हूँ कि इस पैराग्राफ के अंदर जो है कोई चेंजिंग ना कर सके। फॉर दैट पर्पस रिव्यू पे आना है और यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे आपने करना है ठीक है। यहाँ पे आपने इनको रीड करके जो है एवरीवन, आप किससे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, एवरीवन यस स्टार्ट ठीक है, आप करना चाहते हो कहता है चलो ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये जो है चेंजिंग इस पे ना हो तो आप कोई पासवर्ड सेट कर दो ठीक है। एमएस वर्ड की फाइल पे हम लोग जिस तरह से फोल्डर्स पे पासवर्ड अप्लाई करते हैं, इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट फोर मैंने इस पे पासवर्ड जो है कोई भी सेट कर रही हूँ, देन जो है हम लोग री एंटर करते हैं पासवर्ड ठीक है। इसको करने के बाद यहाँ पे इसको करते हैं ओके। यहाँ पे जो है आप लोग देखें तो क्या होगा कि इसने जो है ये यहाँ पे आप लोगों को ब्रैकेट नजर आ रही है ये, और ये ब्रैकेट इसने क्या किया है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है। नाउ यू कैन जस्ट रीड दिस पैराग्राफ बट नो बडी अलाउड टू चेंज और एडिट दिस पैराग्राफ। इस तरह से भी जो है आप लोग कर सकते हैं। दूसरा जो है मैं यहाँ पे सेव एज पे जो है क्लिक करती हूँ। सेव एज पे यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ टूल्स होती है आप लोगों के पास, जब इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे आएगा टूल्स जो है, तो ये यहाँ पे टूल मुझे मिल गया ठीक है। टूल्स पे जो है आपने यहाँ पे सेव ऑप्शन है, सेव ऑप्शंस पे जो है यहाँ पे आप लोगों को पूछेगा, तो यहाँ पे भी आप जो है पासवर्ड जो है सेट कर सकते हैं ठीक है। तो जो है ये आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट को जो है प्रोटेक्शंस के लिए क्या करते हैं आप डिफरेंट पासवर्ड को यहाँ पे सेट कर लेते हैं ठीक है। तो ये था ठीक है, तो हम लोगों ने दूसरों को जो है अलाउ नहीं किया कि जो है कोई यहाँ पे हमारे जो है डाटा के अंदर चेंजिंग कर सके, और देखा कि कैसे हम लोग दो चीज़ों को, दो फाइल्स को आपस में कंपेयर और उनको कंबाइन करते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आई है कमेंट सेशन में आप मेरे से पूछ सकती हैं। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए वी यू फॉर ऑलवेज। मेरा अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।